मैं प्रवीण, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस असल में आया कहाँ से, ये चर्चा में क्यों है? ठीक है, तो ये कोविड-19 यानी 2019 इसका नाम दिया गया। तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में हम हर जगह न्यूज़पेपर, टीवी चैनल कहीं भी देखो, आज जगह जगह में, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में तो जानना चाहिए ना हमें। तो आज हम इसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं कि कई प्रकार के विषाणु वायरस का एक समूह है। कोरोना वायरस क्या है? कई प्रकार के विषाणुओं वायरस का एक समूह है जो जो पक्षियों में रोग उत्पन्न करता था, या पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है, ये एक प्रकार का वायरस है। यह RNA वायरस होता है। कैसा होता है? RNA वायरस होता है। इसके कारण मानव में श्वसन तंत्र इसके कारण मानव में श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा हो सकता है या हो जाता है, जिससे हल्की इसका लक्षण कैसे पता चलता है हमें? तो हम देखते हैं कि सर्दी, जुखाम, बुखार से लेकर गंभीर मामलों से तक ज़्यादा से ज़्यादा अगर गंभीर हो गया इस वायरस के शिकार में, तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस एक विशाल विषाणुओं का वायरस है। तो ये इसके हम देखेंगे प्रकार की कैसे ये प्रकार में आता है। तो दोस्तों, इसके कई प्रकारों से मिलकर कोरोना वायरस बना है। तो हम देखेंगे कि जैसे SNS SRNA, ये कैसे होता है दोस्तों? ये सर्दी से स्टार्ट होता है। फिर सर्दी से तो स्टार्ट होता है, इसके बाद जुखाम यानी खांसी और गंभीर मामले में जाने के बाद मृत्यु भी हो सकता है आपका। तो ये SSRNA यह सर्दी से होता है। इसको जेनेटिक रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह और इसके प्रकार हैं, राई वोडियर एक वायरस जगत है जो कोरोना वायरस के अंतर्गत आता है। तो राई वोडियस एक वायरस है, इसमें रेटा वायरस सम्मिलित नहीं होते, यह सिर्फ राइड वोरियस होता है। नीडो वोरियस की बात करें हम, तो ये कोरोना वायरस का ही एक अंग है। कुल मिला के कोरोना वायरस को कुल कोरोना वीरियंट, या फिर हम इसकी उत्पत्ति के बाद में बात करें हम कि ये कोरोना वायरस के असल में उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों इसका आकार क्यों गोलाकार दिया गया। तो हम बात करेंगे आज कि कोरोना वायरस का एक जीव विज्ञानिक कुल है, माने जीव विज्ञानिक एक संरचना है। इसको और भाषा में मुकुट भी कहा जाता है। क्या? और भाषा में मुटुक भी कहा जाता है, मुकुट।
और इस वायरस के कणों पर ये देखा गया, इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द माने आगे पीछे ऊपर नीचे उभरने हुए कांटे जैसे ढांचे से इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर देखने से या पर यह सूर्य ग्रहण में दिखाई दे सूर्य ग्रहण जैसे दिखने पर यह कोरोना वायरस जैसे मतलब कोरोना इसका नाम या उभर के आया। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के से देखने पर हमें ये गोलाकार सूर्य ग्रहण जैसे दिखाई दिया, तो इसे वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना नाम दे दिया, जो कि कांटे की समान अलग अलग प्रकार में निकले हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार का बनता है, ये जिस पर इसका नाम कोरोना दे दिया गया। सभी आरएनए वायरस की कुल सदस्य है ये। क्या है? कुल सदस्य, सभी को मिला के ये एक बना है कोरोना वीरिडियो। कुल में लगभग 40 इज्जात जातियां हैं, इसके कुल 40 जातियां हैं कोरोना वायरस के, जो कि 23 उपवंश हैं और 5 वंश हैं कोरोना वायरस के। 40 जातियां, 23 उपवंश और 5 वंश और 2 उपकुल, 2 उपकुल में श्रेणीकृत कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये सूर्य की ग्रहण से देखने पर इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। जैसे सूर्य ग्रहण हो जाता है तो नहीं दिखता, और कई लैंग्वेजों में इसे मुकुट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसकी बात करें कि उपकुल माने इसके और भी कई प्रकार होते हैं, जैसे अर्थो कोरोना वायरस, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस के सब अंग हैं, पार्ट हैं, तो इसी के कारण इसका नाम कोरोना वायरस दे दिया गया। इसकी बात करें हम कि ये कोरोना वायरस असल में ये कहां से प्रारंभ हुआ और कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड में फैला, तो हम देख सकते हैं कि आपने न्यूज़पेपर पे, टीवी पे कई बार देखा होगा कि ये जगह जगह कुछ नहीं दिखा रहा है आजकल। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद कुछ नहीं टीवी में दिखा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस जहां देखो तो कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, बचो इससे। तो दोस्तों, बचना तो है ये, पर बचे किससे और ये स्टार्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको तो जानना चाहिए ना हमें। तो हम बात करते हैं कि ये उत्पत्ति इसका कहां से हुआ सब है। तो ये मतलब चीन के वुहान शहर के लैब में, चीन पहले चाहता था कि मैं ऐसा हथियार तैयार करूं जो न तो गोला बंदूक ना लगे, बस मैं आदमी से आदमी कनेक्ट करके माने और आदमियों को मरवा दूं और मेरा देश ऊपर हो जाए इनकम में, अर्थव्यवस्था में और जनसंख्या में तो वो आगे ही था, और कई इसके पीछे उसका राशि छुपा था दोस्तों।
तो बात करें हम चीन के, तो चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होता है कोरोना वायरस। वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला कब? 2019 में, 1 दिसंबर 2019 को नोवल कोरोना वायरस इस समूह के वायरसों का एक उदाहरण है। कैसा? नोवल कोरोना वायरस इस वायरस का एक उदाहरण है जिसका संक्रमण 2019-20 काल में तेजी से उभर कर 2019-20 में तेजी से उभर कर सामने आया। वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। पहले तो वो वहीं फैला, ठीक है। वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैला जा रहा था। दोस्तों, 1 जनवरी की बात है 2020 की, कि चीन में क्या करते थे कि हैप्पी बर्थडे सब मना रहे थे और कोरोना वायरस फैलता जा रहा था, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चीन सरकार तब तक वो अपना दबाए रखा गया, और जब ये अच्छा विकसित हो गया, आदमियों की मृत्यु होने लगी, तब ये सामने आया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहते हैं, ने इसका नाम COVID-19 रख दिया। फिर जब ये पूरे वर्ल्ड में फैला तो इसका नाम COVID-9 रखा गया। माना जाता है कि यह वायरस भी जानवरों से आया है। वैसे इस वायरस को मानव में कभी नहीं देखा गया, ये वायरस जानवरों से आया है। ज्यादातर लोग चीन शहर के केंद्र में स्थित हुआनान की सी फूड होला सेल मार्केट में खरीदने के लिए आते जाते थे, उनमें अधिक देखने को मिला। क्यों? क्योंकि सी फूड मार्केट है एक चीन का वुहान शहर, इसमें लोग अधिक जैसे मांस मीट चिकन लेने आने ने जाने के कार्य करते थे, उनमें ज़्यादातर फैला गया। हम बात करते हैं कोरोना वायरस के आज बचाव के बारे में। तो कोरोना वायरस के बचाव अनेक प्रकार से कर सकते हैं। इसका बचाव सबसे पहले तो यही है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप दूरी बना के रखें। अगर कुछ टिप्पणियों में मैं कहूँ तो अपने हाथों को साफ रखें, अपने हाथों को साफ रखें, खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें, ठीक है। लोगों से दूरी बना के रखें। कोरोना वायरस होने पे घर से बाहर ना निकलें, और जिसको वायरस होने पे तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करें। और एक आपसे निवेदन है कि कोरोना वायरस होने पे आप छुपाएं ना और डरें ना। बस जय हिंद, जय भारत।